नमस्कार दर्शकों, मैं भावना प्रसाद आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम ट्रेन इंडिया में स्वागत करती हूं। दर्शकों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस पर आधारित इस कार्यक्रम में हम हर सप्ताह आपके लिए लाते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस से जुड़ी कई अहम जानकारियां। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर सप्ताह हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं, इसी क्रम में आज हम बात करेंगे फर्म और कंपनी फॉर्मेशन सर्विसेज को लेकर। और इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमेशा की तरह एग्जिम गुरु एडवोकेट जयप्रकाश सोमानी जी, जो एमबीए है फॉरेन ट्रेड में, साथ ही एलएलबी हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के विषय के प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो आइए लेते हैं एग्जिम गुरु एडवोकेट जयप्रकाश बी सोमानी जी से फर्म और कंपनी फॉर्मेशन सर्विसेज पर विस्तृत जानकारी। नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि एरोनिका का जो कंपनी फॉर्मेशन फर्म फॉर्मेशन जो डिविजन है, वो डिवीजन एग्जैक्टली पूरे भारत को और विदेश के लोगों को क्या सपोर्ट करता है। दैट मीन्स कंपनी फॉर्मेशन सपोर्ट डिवीजन ऑफ एरोनिका ग्लोबल एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड मुंबई। आपको मालूम है कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में पूरे देश भर में विदेश में वर्कशॉप लेते हैं, फुल डे वर्कशॉप में हम पूरा ट्रेन करते हैं लोगों को। लेकिन ये ट्रेनिंग होने के बाद जिनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है या जिनको लोकल ट्रेड करना है या जिनको विदेश में कंपनी खोलना है या जिनको विदेश से अपने देश में कंपनी खोलना है, इन सबको कुछ फॉर्मेलिटी की ज़रूरत है। तो हमारे मुंबई की कंपनी ने क्या किया हुआ है, एक सेपरेट डिवीजन उसके लिए शुरू कर दिया है। अच्छे अच्छे चार्टर अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, अलग अलग एक्सपोर्ट लोग हमारे उस डिवीजन के पैनल के ऊपर हैं। इसलिए ये काम हम वो एक्सपोर्ट लोगों से करवा के आपको देते हैं, लेकिन कंट्रोल हमारे पास पूरा रहता है। इसलिए आपका पैसा हमारे पास आता है और हम जब काम होने के बाद ही वेंडर को पैसा दे देते हैं। इसलिए आपका पैसा सुरक्षित है, रीजनेबल रेट में, और आगे के जो सपोर्ट हैं वो सपोर्ट भी आपको हमारे ओर से मिलते हैं। अभी हम देखेंगे भाई फर्म क्या रहती है। जनरली पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरी फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अभी एक नया पार्टनरशिप में आया है एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी से आईपीओ जाना, ये पूरा की पूरा सपोर्ट हमारी कंपनी का मिलता है। लोग जनरली कंपनी फॉर्म करके दे देते हैं, लेकिन उसके बाद जो आईई कोड देना है, आरसीएमसी करवाना है, अलग अलग टाइप के सिस्टम्स उनको डेवलप करके देना है, सबसे इम्पोर्टेंट उसके आगे जो ऑडिट रहता है, रेगुलर ऑडिट है, रेगुलर कंप्लायंसेस है, इसके तरफ ख्याल नहीं देते लोग। लेकिन हमारा पूरा ख्याल है, हमारा खाली कंप्लायंसेस करना ये हमारा मेन काम नहीं है, वो तो हम करेंगे ही करेंगे। जीएसटी की रिटर्न फाइल करना, आगे चल के आपके आरओसी की रिटर्न फाइल करना, ये सब तो काम हमारे लोग करेंगे ही करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ आपका जो आपका बिजनेस टर्नओवर है, वो टर्नओवर बढ़ना चाहिए, इसके भी ख्याल हम देंगे, उसके ऊपर भी आपको मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये हमारे कंपनी सपोर्ट डिवीजन में बहुत खास बात है दोस्तों। प्रोप्राइटरी जनरली तब करते हैं जब आदमी शुरुआत बिजनेस की करता है, ज़्यादा डेयरिंग नहीं रहती है, ज़्यादा अनुभव नहीं रहता है, एक नया बिजनेस कोई ना कोई करता है, फिर स्वदेश व्यापार करो, विदेश व्यापार करो, नया आदमी प्रोप्राइटरी में जाता है और प्रोप्राइटरी में लीगल ऑब्लिगेशन कम रहते हैं, एक शॉप एक्ट लाइसेंस या स्मॉल स्केल का एक आधा अपना सर्टिफिकेट ले लिए तो प्रोप्राइटरी आपकी खुल जाएगी। और उसके बाद आपको ऑडिट वगैरह जो रहता है, जनरली 40 लाख के आगे जब जाता है तब कंपलसरी ऑडिट रहता है, इसलिए प्रोप्राइटरी को थोड़ा लीगल कॉम्प्लिकेशंस कम रहते हैं, टीडीएस काटना ये वो थोड़ा कम रहता है, इसलिए थोड़ा सा एक आसान रहता है प्रोप्राइटरी नए आदमी के लिए। लेकिन जिनको लगता है कि भाई मुझे थोड़ा सा एक अलग ढंग से बिजनेस करना है, एक एक्सपोर्ट आदमी अलग है, मार्केटिंग वाला अलग है, फाइनेंस वाला अलग है, तब पार्टनरशिप फर्म करते हैं। तो पार्टनरशिप में आप रेगुलर पार्टनरशिप फर्म करो या एलएलपी करो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये भी हमारी कंपनी का वो डिवीजन जो है, वो डिवीजन के लोग करके देते हैं अच्छा काम। तो आप पार्टनरशिप में भी जा सकते हैं, पार्टनरशिप में फिर पार्टनर अलग अलग ढंग से हमारा पूरा काम देश विदेश में फैला सकते हैं, पूरे देश विदेश में आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। और पार्टनरशिप के आगे जो रहता है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तब करना चाहिए जब आपका बिजनेस के एक्सपीरियंस है,
या एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आपको वो सब ऑब्लिगेशन जो कंपनी सेक्रेटरी के रहते हैं या सीए जो बोलते हैं वो ऑडिट का, ये सब ऑब्लिगेशंस अगर आप कंप्लीट करने की तैयारी है तो आप प्राइवेट लिमिटेड कर सकते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड में थोड़ा स्टेटस अच्छा रहता है, देश विदेश में थोड़ा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपका है तो एक थोड़ा स्टेटस अच्छा मिलता है, उसका एक रेपुटेशन अलग होता है, ये बात तो सही है। तो प्रोप्राइटरी में जनरली एक आदमी काम करता है, पार्टनरशिप में मिनिमम दो से लेके मैक्सिमम 50 लोग भी काम करते हैं पार्टनरशिप में। प्राइवेट लिमिटेड में पहले ज़माने में दो डायरेक्टर लगते थे, अभी एक भी आदमी है तो भी कंपनी खोली जाती है, वन सिंगल मैन कंपनी भी होती है, उसके लिए थोड़ा नॉमिनेशन वगैरह देना पड़ता है। लेकिन अच्छा है कि दो से ज़्यादा लोग अगर इकट्ठा आके कंपनी निकालते तो ज़्यादा अच्छा रहता है, और मिनिमम टू डायरेक्टर्स विल बी देयर, मेंबर आप कितने भी कर सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में थोड़ा सा आपको TDS का ख्याल रखना, थोड़ा सा GST, थोड़ा सा रिटर्न्स वगैरह टाइम पे फाइल करना, ROC रिटर्न फाइल करना, बस ये रेगुलर कंप्लायंस अगर करते हैं प्रॉपरली तो प्राइवेट लिमिटेड में स्टेटस अच्छा है, सब अच्छा है। और एक बार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरी आपका हो गया कि फिर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो फिर IE कोड लेना है, RCMC करना है। हमारी कंपनी आपको कंपनी फॉर्मेशन विथ IE कोड ऐसा ही निकाल के देती है। तो IE कोड जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है उसके IE कोड है, और जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करना है, लोकल ट्रेड करना है, तो आप लोकल ट्रेड सीधा शुरू कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड के बाद भी शुरू कर सकते हैं और प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप के बाद भी शुरू कर सकते हैं। मुझे आपको ये बताना है कि आपका ये जो कंपनी फॉर्मेशन डिवीजन जो हमारी कंपनी का है एरोनिका ग्लोबल एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड का, ये इसके जो हमारे एक चार्टर अकाउंटेंट हैं जो अलग अलग ढंग से मैनेज करते हैं हर्षित भाई, उनको हम बोलते हैं कि आपके साथ थोड़ी सी बात करें, वो टेलीफोन के ऊपर आपके साथ दो मिनट में बात करेंगे, उनका एक ऑडियो आपको सुनाते हैं और बाद में हम वापस आते हैं आपको कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी, IPO, ये सब सर्विसेज कैसी है, क्या है, ये बताने के लिए। तब तक सुनिए हर्षित भाई का आवाज। एग्जिम गुरु जयप्रकाश सोमानी ने आपको सही बताया, अगर आपको कंपनी फॉर्मेशन, अकाउंट्स, ऑडिट, GST रिटर्न्स, GST रजिस्ट्रेशन, GST प्लानिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड एप्लीकेशन, इनकम टैक्स रिटर्न्स जैसी सभी सेवाओं के लिए आप हमारी मुंबई या पुणे ऑफिस का कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अवर प्राइमरी मोटो इज फर्स्ट क्लास सर्विस इन अ फर्स्ट क्लास वे। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आपने हर्षित भाई का सुना। अभी हम आपको बताते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप ग्रो अच्छा कर सकते हैं, फाइनेंस के लिए रेपुटेशन अच्छा आपको मिलता है, फाइनेंसेस इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, ये फायदे होते हैं। और मेन जो है, आप प्रोप्राइटरी करो, पार्टनरशिप करो, प्राइवेट लिमिटेड करो, मेरा एक बोलना आपको है कि आपका एसेट और लाइबिलिटी का रेशियो मजबूत होना चाहिए। शुरू शुरू में जब नए हम रहते हैं तो लाइबिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है, एसेट कम रहती है, आहिस्ता आहिस्ता हमारी लाइबिलिटी और एसेट सेम रहती है। लाइबिलिटी और एसेट सेम रहना, ये इक्वल रेशो अच्छा है, लेकिन इसके आगे आपकी एसेट डबल है, लाइबिलिटी सिंगल है, एसेट 3 है, लाइबिलिटी 1 है, एसेट 4 है, लाइबिलिटी 1 है, एसेट 5 है, लाइबिलिटी 1 है, एसेट 20 है और लाइबिलिटी 1 है। ऐसा अगर रेशो है ना, जिंदगी भर एंजॉय करेंगे बिजनेस दोस्तों। ये सब मार्गदर्शन हम करेंगे आपको। हमारा उड़ान प्रोग्राम को देखिए आप, वीडियो आपको हमारे वेबसाइट के ऊपर, हमारे यूट्यूब अकाउंट के ऊपर हमारा उड़ान का वीडियो देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के वीडियो देखिए, फिर आपको पता चलेगा हम कौन से तरीके से आपको सपोर्ट देते हैं। दोस्तों, आपका प्रॉपर्टी मजबूत रहो, एसेट बढ़ता रहो, तो फिर स्लैकनेस नहीं होता है और फिर मजबूत पैसा कमाओ, सरकार को टैक्स अच्छा भरो, सरकारें भी चलेगी और आपका भी काम अच्छा चलेगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ते ब्रांचेस खोल दो, ब्रांचेस का जमाना है, ब्रांचेस खोल दो अलग अलग जगह पे, और देश भर में ब्रांचेस खोल के आप विदेश में भी ब्रांचेस खोलो। विदेश में ब्रांचेस खोलने के लिए जो जो फॉर्मेलिटी है वो हम करके देंगे आपको। आगे चल के आप जैसे जैसे आपका विस्तार होता है वैसा पब्लिक लिमिटेड कंपनी कर दो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बाद उसको ROC रजिस्टर कर लो, आप स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कर लो, और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होने के बाद आपको एक थोड़ा अलग ढंग से एक ऑरा तैयार हो जाएगा। खाली ये सब आप मेरिट के ऊपर करो, प्रॉफिट में कंपनी लाके अगर ये करेंगे तो ये काम अच्छा होगा। कुछ माल प्रैक्टिस करके अगर ये टेम्पररी इश्यू खड़ा करना, ये करना, वो करना, और बाद में वो कंपनी किधर भी दिखती नहीं है और लोगों का पैसा लेके लोग डूबते हैं,
ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हमारे उड़ान के प्रोग्राम में बताते हैं कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी आईपीओ में जाने का राजमार्ग कौन सा है और शॉर्टकट मार्ग कौन सा है। शॉर्टकट मार्ग भी बताते हैं कि ये मार्ग लेना नहीं है, इसलिए बताते हैं, और लॉन्ग टर्म मार्ग भी बताते हैं क्योंकि वो मार्ग से जाना है। हम आपको पब्लिक इशू खड़ा करने तक का पूरा सपोर्ट हम आपको देंगे, आपको मार्केटिंग सपोर्ट, आपको फिनांस सपोर्ट, ये जो लगता है वो भी आपको हमारे कंपनी से मिलता है। तो बहुत अलग अलग ढंग से आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी से आगे जा सकते हैं। खाली बेसिक कॉन्सेप्ट जो रहता है ना, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आपको जिस प्रोडक्ट में, जिस सर्विसेज में आप उतरना है तो आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मैन्युफैक्चरर ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करता है, नो। इफ यू आर सर्विस प्रोवाइडर, आप सेवा देते हैं तो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कीजिए। TCS क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, सर्विस प्रोवाइडर, तो भी लिमिटेड कंपनी है, शेयर का भाव भी अच्छा है। ऐसे काफ़ी हैं सर्विस में कि जो लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी में है। जैसे हमारी दो कंपनियां हैं, एरोनिका ग्लोबल एग्जाम प्राइवेट लिमिटेड है, एरोनिका पब्लिकेशन एंड एग्जाम सीरीज प्राइवेट लिमिटेड है, जिसकी मैनेजिंग डायरेक्टर मेरी वाइफ शोभा सोमानी है। एरोनिका एग्जाम का मैनेजिंग डायरेक्टर मैं हूँ। हमारे इतने सर्विसेज पूरे देश विदेश में चलती हैं। मेन यही है कि आपको देश विदेश तक बहुत अच्छी ढंग से बढ़ना है, और इसके लिए एक छोटा सा गुप्त ज्ञान देना चाहता हूं दोस्तों आपको। आपके पास जितना समय है ना, वो समय का 20% समय आपने मैनेजमेंट के ऊपर, स्टडी के ऊपर देना चाहिए। जो समय आपको बिजनेस को देना है, सपोज बिजनेस को आप 8 घंटे देते हैं, तो उसमें का 20% समय, 1.5 घंटा ही आपका मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टडी करना, एनालिसिस करना, प्लानिंग करना, इसके लिए जाना चाहिए। और 80% समय पूरा सेल्स फोकस होना चाहिए, मार्केटिंग फोकस होना चाहिए। उड़ान में हम यही सिखाते हैं, काफ़ी चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन एक उसका एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कि 80% अगर आप पूरा सेल्स फोकस करेंगे तो फिर आपका कंपनी बढ़ता ही रहेगा। लोग उल्टा करते हैं, लोग ऑफिस में आने के बाद ये काम कर, वो काम कर, और सेल्स से ही फोकस नहीं करते हैं और फिर पीछे आ जाते हैं। तो 80% आप सेल्स फोकस करो और 20% ही एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट फोकस करो, फिर कैसा डेवलपमेंट होता है देख दो। और ऐसे ऐसे लोग लो आप लेते समय कि उसको मालिक बना दो, लोग लेते समय उसको जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो बेसिक रिक्वायरमेंट इतना सैलरी उसको दो, और उसको बोलना बाकी इंसेंटिव बेस रखो, फिर जितना काम करेगा उतना वो इंसेंटिव कमाएगा। तो हो सकता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर से भी ज़्यादा सैलरी उसकी हो, जैसे हमारी कंपनी में मेरा सैलरी से भी ज़्यादा सैलरी इंसेंटिव ये हमारे लोग लेते हैं, क्योंकि वो इंसेंटिव बेस है। तो इंसेंटिव बेस होने के कारण 1.5-1.5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए भी एक कॉमन आदमी भी कमा लेता है, लेकिन वो कमा के देता है और फिर वो कमाता है, और फिर ऐसे आदमी की तरफ हमको ज़्यादा फोकस करना नहीं पड़ता है, पूरा देखना नहीं पड़ता है उसको। तो वो हिसाब से मैंने आपको ये थोड़ा सा गुप्त ज्ञान दिया। और मार्केटिंग के बहुत सारे टेक्निक्स रहते हैं, विदेश व्यापार के मार्केटिंग अलग, देश अंतर्गत व्यापार के मार्केटिंग अलग रहते हैं, और जिसको भारत से विदेश में ब्रांचेस खोलना है वो भी फॉर्मेलिटी हमारी कंपनी से मिलेगी, और विदेश का जो हमारे देश में कंपनी किसी को खोलना है वो भी फॉर्मेलिटी मिलेंगे दोस्तों। एरोनिका की वेबसाइट पे जाइए, हमारे www.importexporteducation.com पे ऊपर जाइए, और वहाँ पे काफ़ी हमारे वीडियोस मिलेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सर्कुलर मिलेंगे, बिजनेस एक्सपांशन का उड़ान का सर्कुलर मिलेगा, और जरूर आइए और हमसे ये लाभ लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। हम आशा करते हैं कि आप सभी को ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। फर्म और कंपनी फॉर्मेशन सर्विसेज विषय पर बहुत सी जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, दीजिए इजाजत, नमस्कार। हाय, आई एम नीनल पेडनेकर, आई एम अटेंडिंग दिस वर्कशॉप इन मुंबई, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्रोग्राम, एंटायर नॉलेज इज अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स, एंड इट्स वेरी क्रिस्प, short but very useful. This is not only a seminar for starting up an import-export business. This is a seminar for being successful in the import-export business. So that is what the feedback I want to give.